अगले चुनावों में वो तंज कसते हैं, वरुण गांधी अपना जूता हाथ में उठा करके सीधा सीधा पेल देते हैं मोदी सरकार की पॉलिसीज पर। और एक लेकिन बात करते हैं वरुण गांधी की, वरुण गांधी आज एक ट्वीट करते हैं जिसके बारे में कोई हिजड़ा मीडिया बात नहीं करता, कोई भगवा भड़वा मीडिया भी बात नहीं करता। भड़वे का मतलब समझ गए होंगे आप किसकी तरफ मेरा इशारा है। बगावत क्या शुरू हो गई है? हार्दिक पटेल अगर कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो वो राष्ट्रीय न्यूज बन जाती है, लेकिन जब वरुण गांधी अपना जूता उतार करके मोदी जी के सर पर मारते हैं, सरकार के सर पर मारते हैं, तो कोई खबर नहीं बनती। ताज्जुब ये होता है कि नीले सियार के पाले हुए चमचे, पाले हुए गमछे जो हैं अपनी हरकतें करने से बाज नहीं हरण करते हैं। इस चोर ने तो इतना बड़ा कांड कर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था को ही चुरा करके पता नहीं चीन के सामने गिरवी रख दिया। ताजा खबर यह है कि चीन के अब बैंक खुला खुला करेंगे और बड़े बड़े बैंक खुले जाएंगे चीन के, पूछने लगे। कुछ इसी तरह का हादसा हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ है, जहां पर कोई व्यक्ति भगवा ओढ़ करके और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके इस देश में आया, जिसने बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख से लेकर के हिंदुस्तानियों को बड़े बड़े सपने दिखाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आज रविवार के दिन बहुत ही स्पेशल टाइम पर आपको लेकर के वो खबर और जगाने के लिए, इस देश को उन भुजाओं को फड़काने के लिए जो भुजाएं फड़क रही हैं, उस अत्याचार को सह रही हैं जो उनके साथ किया जा रहा है, चाहे वो गरीब हो, मिडिल तबका हो, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, असली हो या नकली हो या खालिस्तानी हो, बात तो करनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। आज का विषय है नीला सियार। नीले सियार की कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक सियार नीले रंग में जब कुत्ते गांव के पीछे पड़ गए तब वो नीले रंग में गिर पड़ा, और उसके बाद जब नीला रंग उसका बदल गया तो जानवरों ने समझा कि ये कोई दिव्य अवतार है और उसको भगवान मान के पूजने लगे। कुछ इसी तरह का हादसा हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ है, जहाँ पर कोई व्यक्ति भगवा ओढ़ करके और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके इस देश में आया, जिसने बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख से लेकर के हिंदुस्तानियों को बड़े बड़े सपने दिखाए, उनके साथ के ठग लोगों ने भैया ये दिखाया कि यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा पैसा है हमारे पास, देश की सरकार कुछ करती नहीं है। 2014 में ये बात बताई गई थी, लेकिन भगवा कपड़े पहन करके आने वाले लोग अक्सर चोर होते हैं, सीता का हरण करते हैं। इस चोर ने तो इतना बड़ा कांड कर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था को ही चुरा करके पता नहीं चीन के सामने गिरवी रख दिया। ताजा खबर यह है कि चीन के अब बैंक खुला खुला करेंगे और बड़े बड़े बैंक खुले जाएंगे चीन के, लेकिन यहां पर परेशानी यह है कि आम आदमी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, जिनके बारे में आजकल कोई बहस नहीं चलाई जा रही। लेकिन एक हरामखोर जो सियार, जिसको सब कुछ मान लिया था, देवता मान लिया था, भगवान मान लिया था, वैसे गंगा जो है मरने के बाद बुलाती हैं, लेकिन जीते जी एक ही आदमी पहुंचा था, आप गैस करें कौन था। अब वो गंगा जी के पास पहुंच गए, भैया ले लिया, लोग पागल हो गए, और लोग तो पागल इसलिए हैं श्री राम के नाम पर भूखे मर जाएंगे, उफ से आहत तक ना करेंगे। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ दे देता हूँ बीच में, अपना ब्लॉग वीडियो ब्लॉग आगे बढ़ाने से पहले, कि अभी अभी खबर मिली है कि सीतारमन ने जो है रेट जो है डाउन कर दिए हैं, करीब 7 या 8 रुपये लीटर पेट्रोल में कमी हुई है, और 7-8 रुपये लीटर की जो कमी हुई है वो डीजल में हुई है। चलिए आया, सरकार को लग रहा है कि सरकार डर गई है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है बगावत शुरू हो गई है। बगावत क्या शुरू हो गई है? हार्दिक पटेल अगर कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो वो राष्ट्रीय न्यूज बन जाती है, लेकिन जब वरुण गांधी अपना जूता उतार करके मोदी जी के सर पर मारते हैं, सरकार के सर पर मारते हैं, तो कोई खबर नहीं बनती। ताज्जुब यह होता है कि नीले सियार के पाले हुए चमचे, पाले हुए गमछे जो हैं अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आते। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कह दिया वरुण गांधी ने, हमने तो सुना ही नहीं, हमारी तो नज़र में भी नहीं आया। लेकिन मैं चाहता हूं कि वरुण गांधी का सुना हुआ किसी की नज़र में ना आए, और जो राष्ट्रीय मीडिया में बहस चलनी चाहिए थी, जिस तरह से हार्दिक पटेल और दुनिया भर की खबरें कांग्रेस के खिलाफ चल जाती हैं, तो ये खबर भी कम से कम जो बीजेपी के खिलाफ है वो चलनी चाहिए। नीला सियार बहुत रंगा हुआ सियार है, इसको तो भगवा कपड़ों में और तिरंगों में देख करके इसको मतलब न्यायपालिका का भी नमस्कार और पत्रकारों का भी नमस्कार है। भाई पैसे सबको कमाने होते हैं।
अब जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही सीरियस बात करने वाला हूं, और बात जो है देश के अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये हुई है कि चीन अपना बैंक यहां खोलने जा रहे हैं, आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, तो चीन के हाथों हमारी अर्थव्यवस्था जो थी रहेगी। भले ही चीन ने पेंगोंग झील पर अपना मकान दुकान ब्रिज बना लिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात करते हैं वरुण गांधी की। वरुण गांधी आज एक ट्वीट करते हैं जिसके बारे में कोई हिजड़ा मीडिया बात नहीं करता, कोई भगवा भड़वा मीडिया भी बात नहीं करता। भड़वे का मतलब समझ गए होंगे आप किसकी तरफ मेरा इशारा है, लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो भड़वा मीडिया भी बात नहीं कर रहा। वरुण गांधी का ट्वीट आता है, वरुण गांधी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो लिखते हैं, चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र, जनम सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगे। चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी, शायद अगले चुनावों में। वो तंज कसते हैं वरुण गांधी, अपना जूता हाथ में उठा करके सीधा सीधा पेल देते हैं मोदी सरकार की पॉलिसीज पर, और एक खबर को ट्वीट करते हैं बाकायदा, जिसमें बताते हैं, जो खबर बताती है कि ये होंगे नए नियम के तहत राशन कार्ड के लिए पात्र। पहली बात, खुद के नाम पर जमीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्राली ना हो, मुर्गी पालन गौ पालन आदि ना करता हो, शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता ना मिलती हो, जैसे विधवा पेंशन, किसान पेंशन, ये छोटी छोटी जिन योजनाओं के बारे में मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा करके अपना कालर जो है टेढ़ा करके इतराते रहते हैं। बिजली का बिल ना आता हो, भाई जो राशन कार्ड वाला है क्या बिजली नहीं लगी होगी उसके यहाँ, बिजली का बिल भी आता होगा। जीव को पार्जन के लिए कोई आजीविका का साधन ना हो, तो भैया राशन कार्ड उसी को होगा। अब आप लगाइए, इसमें यह नहीं लिखा, ढूंढ रहा हूं मैं दो मिनट रुकिए, ढूंढता हूं ना, मुसलमानों के लिए नहीं है ये, तो हिंदुओं के लिए भी है यार। हाँ, प्रधानमंत्री जी मोदी ऐसे थोड़ी है, सच्चे लोकतंत्र के विजेता विश्व गुरु बनाने वाले भारत को ऐसे प्रधानमंत्री हैं। अब यह चीज लागू हो गई है तो भैया वरुण गांधी ने अब बोल दिया सावधान खबरदार। देखिए, आपकी एलपीजी की सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर दी गई, महंगा बढ़ता गया आपका सिलेंडर, सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद जो है राशन कार्ड भी बीपीएल नाम की कोई चिड़िया हुआ करती थी, उसको भूल जाइए उस बीपीएल नाम की चिड़िया को, क्योंकि रंगे हुए लोगों ने आपका सौदा किसी और देश के साथ कर दिया है। आप लगाइए ज्ञान बापी के नारे, आप लगाइए श्री राम के नारे, आप लगाइए मंदिरों के नारे, लेकिन अगर मुसलमानों को इन शर्तों पर राशन मिलेगा तो इन शर्तों पर हिंदू भाइयों को भी राशन मिलेगा, और सबसे ज्यादा इस देश में हिंदू भाई हैं, ये बात तो कोई बताता नहीं है। लेकिन बात क्या बताई जाती है, ज्ञान बापी मस्जिद की भांग घोट घोट करके मतलब पूरी पिक्चर चलाई जाती है 17 रील की, शायद शोले पिक्चर से भी हिट, लाइव मीडिया के वो प्रोग्राम हो जाते हैं जो शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, महादेव की काशी शिव पर्वतों से आए हुए, महादेव की गंगा जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अवैध होने का वरदान दिया है। लेकिन मैं कभी कभी इस नीले सियार के बारे में सोचता हूं, वो नीला सियार उसको किसने वरदान दिया था। जाहिर बात है जब जंगल में लोकतंत्र होता है तो गलती से कभी कभी भगवान के नाम पर कुछ लोग व्यापार कर लेते हैं, जिस तरह बाबा रामदेव व्यापार करते हैं, गाय का फोटो छाप करके भैंस का घी बेचते हैं। अब लोगों की समझ में नहीं आता, लोग मूर्खता की हद पार कर चुके हैं, तो ऐसे मूर्ख लोगों के शासक अंधेर नगरी और चौपट राजा। लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि जब वरुण गांधी सवाल उठाते हैं, गरीबान पकड़ के मोदी का हिलाते हैं, गरीबान पकड़ करके मोदी सरकार को हिलाते हैं, और राशन कार्ड पर सीधे सीधे गरीबों के सवाल उठाते हैं, उस पर गोदी मीडिया चुप क्यों हो जाता है? क्या गरीब हिंदू के बारे में बोलने का अधिकार इस हिंदू मीडिया को नहीं है, या राशन कार्ड पर जो कानून आया उस पर क्या इस हिंदू न्यायपालिका को बोलने का अधिकार नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट को बस ज्ञान बापी मस्जिद का वो अधिकार प्राप्त है जो डिस्ट्रिक्ट सेशन को चंचूट के द्वारा
कर दी जाती है, और जिनके बारे में मैंने बोला था भाई भारतीय जनता पार्टी के खासम खास हैं, सबको राज्यसभा चमकती है, देश का भला किसी को नहीं चमकता। अगर आज हम इतने अच्छे हिंदुस्तानी होते और करप्शन से न डूबे होते तो कांग्रेस की सरकार के नियमों का पालन किया गया होता, इमरजेंसी ना लगानी पड़ती, कुछ ना लगाना पड़ता। आज वैसे राजीव गांधी जी को भी याद कर लें, राजीव गांधी जो एक सूचना क्रांति लाए थे, उनको मेरा नमस्कार और भावभीनी नमस्कार उनको। लेकिन वरुण गांधी ने जो बोला वो मीडिया ने नहीं दिखाया, और खून से रंगे हुए वो लथपथ 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 वो लाशें, खून से रंगी हुई लथपथ लथपथ वो सियासत, खून से रंगी हुई लथपथ 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 शब्दों की वो शब्दावली जो समाचार पत्रों में गुजरात कांड में छापी गई थी। लाउड स्पीकर बंद हो रहे हैं। अब एक कानून के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में कल सुबह वीडियो बनाऊंगा, कि जहां वर्शिप ऑफ प्लेस की बात हो रही है उसके बारे में भी पोल खोलूंगा। वर्शिप ऑफ प्लेस जो हैं हिंदुओं के ज़्यादा हैं, मुसलमानों के कम हैं, तो हिंदुओं पर ही तलवार चलाई जा रही है। लेकिन हमारा नीला सियार और उसके भक्तों की भी कमी नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।